मैं 1.5 साल से हूँ। मैं 2019 मई में आया था उनके साथ, तो मेरे को 1.5 साल हो गया अभी तक। तो अब सर ही छोड़ के चले गए, हम तो जाना नहीं चाहते थे, अब क्या करें। फिर भी अभी जैसा भी है चल रहा था, अच्छा सब कुछ ठीक था। अब अचानक पता नहीं क्यों गए, उसका वजह तो हमें भी नहीं पता। बाकी आप नेक्स्ट क्या पूछना चाहते हो? तो आपको किसने वहाँ पे काम पे लगवाया था? मेरे को जो सैप है अशोक भाई है, उन्होंने लगवाया था मेरे को। तो मैं 2 दिन पहले आया था, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं वापस चला गया था। तो सर को, सुशांत सर को तो मेरा काम पसंद आया था, तो मैं दिल्ली में रहता था। तो मुझे हाउस मैनेजर को बोला कि वो जो लड़का है काम करेगा तो उनसे पूछो आने के लिए। तो मेरे को बोला जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगा करना हो तो आ जाओ। तो मैं आ गया, तो मैं मई से मैं ज्वाइन हो गया था। तो 9 मई से मेरे श्यामूल मिरिंडा था, अच्छा हाउस मैनेजर ठीक था, अच्छा था। जैसे सब जितने भी स्टाफ थे सभी अच्छे थे लोग जो भी है। तो आप लोग कितने लोग सुशांत के साथ उनके घर पर रहते थे उस टाइम? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम काफी लोग थे। मैं था, रिया मैम थी, आयुष था, आनंदी था, सिद्धार्थ था, और अशोक था, साहिल बॉडीगार्ड था, ड्राइवर जीतू था। हम काफी लोग थे, हम 10-12 लोग थे उस टाइम, काफी लोग थे। सब अच्छा भी चल रहा था माहौल। जब मैं आया था उस टाइम माहौल भी बहुत अच्छा चल रहा था, सब खुश था। जब सर की छिछोरे की शूटिंग चल रही थी जब, तब मैं आया था। 10-12 लोगों का स्टाफ था जब आपने ज्वाइन किया था, उसके बाद धीरे धीरे कितने लोग बचे? उसके बाद धीरे 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 कुछ लोग, चार लोग तभी चले गए थे। फिर कुछ लोग जब यहाँ कैपरी जिसमें अपना बांद्रा वाले फ्लैट में आए थे, तो तब सारे आगे आधे से ज्यादा लोग तब चले गए थे। क्योंकि कुछ चले गए थे, कुछ निकाल दिए गए थे। तो हमारे एक काम करने वाले पूरे घर में सिर्फ हम 2 बंदे बचे थे, एक जो खाना बनाने वाला और एक मैं सर का बॉय भी था और हाउसकीपिंग भी था, दोनों काम करता था। सर को सब काम करवाते तो सर को अच्छा लगता था मेरा काम। हाउसकीपिंग के लिए आया था पर मैं बॉय बन चुका था सर का, सब कुछ अच्छा लगता था सर को। किसने निकाला? जैसे आपने कहा कि एक परिवार की तरह आप लोग सब एक साथ थे, कम से कम 12 लोगों का स्टाफ था, तो किसने कम कर दिया स्टाफ, किसने निकाला? कुछ लोग सर ने भी निकाले थे, कुछ लोग सर को भी काम अच्छा नहीं लगा था। तो जैसे वैसे ज्यादातर तो निकाले थे, सर ने ही निकाले थे। तो उनको बोला गया, जब ही निकाला गया, अब ये नहीं पता कि किसने बोला। जो अशोक भाई है उनको कभी सर ने निकाला नहीं, तो उनको सुनने में आया कि रिया मैम ने निकाला, क्योंकि वो अशोक भाई ने ही बताया कि मुझे रिया ने निकाला बोल के, ऐसा बोला उन्होंने। आपको भी शायद रिया ने कहा था कि छोड़ दो या निकल जाओ समथिंग? हाँ, मेरे को एक बार बोला था जब लॉकडाउन चल रहा था। तो लॉकडाउन के बीच में, क्योंकि मैं कहीं जा भी नहीं सकता था उस टाइम, मजबूर था, जो है सांप है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो कूड़ा वाला आया था, तो मैं काफी दिनों से वो अच्छी सफाई नहीं कर रहा था। तो मैंने उनको बोला ये सर को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा आप अच्छी तरह सफाई कर दीजिए, बस इतना बोला था। तो मैंने मास्क नहीं पहनने का था। तो रिया मैम आई, मैं उससे पूछा किससे बात कर रहे थे, मैंने कहा वो कूड़ा वाला आया था, मैं उससे बात कर रहा था, आपने मास्क पहनने का था? मैंने कहा नहीं मैम, क्यों नहीं पहन रखा था तुम, मैं अभी निकाल दूं, ऐसा वैसा बोलने लगी। मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी मैम, गलती हो गई, बस इतना बोल दिया था। तो सर ने मेरे को बोला कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो सर ने मेरे को अच्छी तरह समझाया, तो मैं समझ गया। किस तरह के रिश्ते थे सुशांत और रिया के? क्योंकि आप घर में ही रहते थे, 24 घंटे आप वहीं होते थे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पता लगता है कि घर में माहौल कैसा है। उस टाइम तो सब ठीक ही था सर यूरोप जाने के बाद, तो माहौल तो फिर भी अभी तक ही ठीक था, क्योंकि सर और रिया मैम, सर उनके साथ रह के खुश थे हमेशा, ऐसा ही लगता था कि हमेशा खुश हैं वो। सर ऐसे थे कि अगर रिया मैम अगर कहीं चली भी जाती थी तो सही से खाना भी नहीं खाते थे, पीते भी नहीं थे, ऐसा ही था। तो बाकी सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि फिर अचानक सर की तबीयत खराब हुई यूरोप जाने के बाद। हाँ, दिसंबर में लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, टूरिस्ट बनाया था, तब तक ठीक थे। छिछोरे का प्रमोशन खत्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। तो वहाँ से आने के बाद जस्ट जो अपना बांद्रा में कैपरी हाइट है तो वो खाली हो गया था। खाली होने के बाद तो 1.5-2 महीने तक ये फ्लैट नहीं मिला हुआ था नया। तो हमें जो है एक और में लड़का था, तो उन और 4 डोगी थे, तो हमें पावना वाले घर में भेज दिया जो डाम में है। तो उन्होंने बोला, हाउस मैनेजर ने बोला अभी वहाँ जाके बैठो, खाना पीना मस्त रहो, जब तक घर नहीं मिलता जब तक आप वहीं पर ही रहो। तो मैंने कहा ओके। तो मैं 1.5 महीने तक वहाँ पे रहता, 1.5 महीने तक सर रिया मैम के घर पे रहे थे वहाँ पे जी। तो 1.5 महीने तक वहाँ पे रहते, तो 1.5 महीने बाद ये फ्लैट मिल गया था। तब मुझे हाउस मैनेजर ने बोला फ्लैट मिल गया अब आ जाओ। तो फिर जब यहाँ शिफ्ट हुए तब सर की थोड़ी बहुत, उस टाइम जब 1.5 महीने पहले जब मैं वहाँ था तब सर की थोड़ी बहुत इलाज विलाज चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रही थी। किस चीज़ का ट्रीटमेंट और इलाज? मेरे को पता नहीं था, क्योंकि ये मेरे को ऐसे पता चला कि जो हाउस मैनेजर था उनसे जो भी सैलरी वेलरी की मैं उनको डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं सर को नहीं बोलता, क्योंकि सर से मैं डायरेक्ट कभी ऐसे बात नहीं करता। कुछ चाहिए रहेगा काम के लिए, बस इतना बात है, हेलो है, बस उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करते सर, कभी अपनी चीज़ें हमें कभी शेयर नहीं करते, ठीक है।
तो हम मैनेजर को बोलते थे भाई पैसे कम पड़ रहे हैं थोड़े ऐसे भी, तो उसने बोला अभी सर का अभी तबीयत खराब है, उसी हिसाब से अभी तुम एडजस्ट करो, अभी सर का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं समझ गया, तभी मैं समझ गया था तो सर की तबीयत खराब है उस टाइम, तो उस टाइम तो मिला नहीं था। तब मैं 1.5 महीने बाद तब मैं यहाँ पर आया, तब सर की तबीयत तो ठीक आपको भी खराब लगती थी, तबीयत ऐसे बोला गया था? नहीं, तबीयत बाद में जब मैंने देखा ना, तब तो मैंने ट्रीटमेंट चला था जब भी तो सुना था, तब मैं यहाँ पे आया तो तबीयत डाउन थी, मतलब सर बहुत दुबले पतले हो गए थे। ठीक ठाक थे, बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वर्कआउट वगैरह भी कर रहे थे, तो दुबले पतले हो गए थे, तो ऐसे ही थोड़ा टेंशन से भी दिख रहे थे, कभी खुश भी थे, तो जो दोस्त वगैरह रहते थे उनके उनके साथ भी खुश रहते थे। तो उस टाइम कैपरे हेड में तो काफ़ी जने चले गए थे, जो उनके उनके जो दोस्त वगैरह रहते थे, दीपेश वगैरह, जो सिद्धार्थ वगैरह, वो सब चले गए थे, और वो नहीं पता उनका भी कुछ काम रहेगा, वो भी चले गए थे। तो सर ही रह गए थे और रिया मैम रह गए थे, बाकी कुछ हम स्टाफ थे बस वही लोग। रिया के भाई शौविक भी आते जाते रहते थे? वो भी आते रहते थे, मैम के साथ आते थे, वो भी आते थे, रहते थे, वो भी उनके फ्रेंड भी लोग भी आते थे, पार्टी सार्टी भी होती रहती थी, सर भी उनके साथ करते थे, सर के साथ भी उनको टाइम पास होता रहता, सर भी उनके साथ टाइम पास करते रहते थे, वो भी उन लोगों के साथ टाइम पास करते थे। तो रिया घर से कब गई, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपने पैकिंग भी की थी उनकी? हाँ, मैंने 8 तारीख के आसपास गई थी, मैंने डेट फिक्स नहीं है, तो रिया मैम ने मेरे को बोला, तो मेरे को जो मेरे ये रेगुलर कपड़े हैं वो आप पैक कर दो, तो मैंने कहा ओके मैम मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये 2 सूटकेस में ये मेरे रेगुलर वाले कपड़े पैक कर दो, और ये जो बाकी के कपड़े वो मैं बाद में आके लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हमने कुछ देखा नहीं, और ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था कि लड़ाई झगड़ा हुआ, तो मैम ने बोला फटाफट ये कपड़े पैक कर दो, तो मैं पैक करके मैंने नीचे गेट पे रख दिया। तो मैम चली गई, तो जाते समय बोला अपना ख्याल रखना, बस चली गई थी। वो लास्ट दिन हम रिया मैम से वो लास्ट दिन मिले थे, तो जैसे वो चली गई तो डिनर का भी लंच का भी ऑर्डर आ रखा था, 1 बजे का टाइम था, तो खाने पीने के लिए भी बोल ही रखा था कि खाना भी बनाना है, तो खाना भी रेडी था। तो जैसे वो गए तो फिर हमने एक बार सर से पूछा कि खाना वाना खाएंगे कि नहीं, तो हमने बोला सर अब खाना रेडी है लंच तो लगाएं क्या? सर ने बोला अभी मेरा मन नहीं है, तुम्हें बाद में खाना। हमने कहा ओके सर। तो सर ने उस दिन खाना नहीं खाया। हाँ, सिस्टर आई थी 5 बजे, वो 1-1.5 बजे के आसपास गए थे, तो सिस्टर 4-5 बजे करीब आसपास आई थी, तो सिस्टर 2-3 दिन तक रहीं। सर ने अच्छी तरह खाना भी खाया मस्त, मतलब अच्छा मूड था उनका, सही से ख्याल भी रखा मैम ने। जिस दिन वो गई थी 12 या 13 तारीख को, कन्फर्म मेरे को डेट याद नहीं है, 12 या 13 के आसपास गई थी, 2-3 दिन रही थी, जाते समय सबको बोल गई थी कि अच्छी तरह सर का ध्यान रखना, ठंडा पानी नहीं देना, उन्हें जूस वूस, खाना वाना कम खाता है तो जूस वूस उनके बना के रखते रहना, वो कुछ ना पिए तो जूस तो पी ही लेंगे, कम से कम कुछ तो एनर्जी आ जाएगी, तो बोल के मैम चली गई थी। तो सर कभी दिन में खा रहे थे तो रात में नहीं खा रहे थे, ब्रेकफास्ट तो लेते ही नहीं थे, ब्रेकफास्ट में अगर जूस ले लिया थोड़ा बहुत, हाँ तो बनाना वगैरह ले लिया तो वो ठीक है, और हम लोगों से इतना बात नहीं कर रहे थे, तो रूम पे ज़्यादा बैठे रहते थे, पर हम उनकी तकलीफ नहीं समझ पाते, फिर भी हम उनसे बात करने की कोशिश करते थे, सर कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ बताओ ऐसा, फिर बोलते थे नहीं मैं हैप्पी हूँ, एकदम रिलैक्स हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसा बोलते थे हमें। तो हमसे नीरज, आपके साथ कौन कौन रहता था रूम में, क्योंकि नीचे आप लोग का जहाँ पे किचन एरिया था उधर ही रूम था शायद? किचन के सामने हमें रूम दे रखा था, मैं रहता था और एक खाना बनाने वाला सैफ था, और 2 सर के दोस्त थे, एक का नाम दीपेश, एक का नाम सिद्धार्थ, वो भी सर का सही ख्याल रखते थे। हाँ, सर का सिद्धार्थ पिठानी, तो सर का वो भी बहुत अच्छा ख्याल रखते थे, वो भी सर के साथ रहते थे, मतलब सर का सही ध्यान व्यान बताते थे, उनके साथ मस्त रहते थे। तो सर ने उन्हीं को ही बुलाया, वो पहले रह चुके थे, पहले चले गए थे, तो सर ने उनको, हाँ मेरे साथ थोड़ा उनको शायद थोड़ा ध्यान, हाँ सूट वूट जो भी जैसा भी रहेगा, तो सर ने उनको खुद ही बुलाया था, तो वो सर के साथ रहते थे, तो घर पे ही रहते थे, वो घर पे रहते थे। तो 14 तारीख को ये जो हादसा हुआ, तो उसके पहले क्या हुआ वो हम नीरज आपसे जानना चाहते हैं कि 13 तारीख को क्या हुआ? 13 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 13 या 12 तारीख को शायद मैम चली गई थी, तो मैम सबको म्यू बोल के गई थी ध्यान रखना, बाकी सर के दिमाग में पता नहीं क्या था, हमें भी नहीं पता। फिर हमारा काम क्या है, सर को खाना पीना पूछना है टाइम टू टाइम, क्या चाहिए सर क्या नहीं चाहिए, वो हमारा फर्ज है, लेकिन बाकी हम और चीज़ नहीं पूछते कि सर किस तरह की प्रॉब्लम है, ये चीज़ हम सर से कभी बात नहीं करते है ना। तो हमने सर से खाने पीने के लिए पूछा, जो शेफ ने उनसे पूछा सर आपने कुछ खाया भी नहीं तो खाने के लिए क्या किया जाए, 13 तारीख की बात है, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं मैंगो शेक खाना, तो मैं मैंगो आम नहीं थे, तो मैं फटाफट गया मार्केट में आम मैंगो लेके उन्हें मैंगो शेक बना के दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गुड नाइट सोने जा रहा हूँ, ओके। तो सर 13 तारीख को सो गए थे, तो 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन। मेरा टाइम क्या था,
मैं 7 बजे उठता था, फिर आधा घंटा मैं डोगी को वॉक करा के लेके आता था। तो 6 बजे उठे थे, थोड़ा उन्होंने शायद थोड़ा वॉक किया होगा इधर उधर जैसा भी। तो फिर वो आए 8 बजे के आसपास, तो मैं उनके गेट से सफाई कर रहा था। तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे, ठीक ठाक माइंड में। हाँ, तो सर ने मेरे को बोला, नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर। मैं फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया, ठंडा पानी उनको दिया। देने के बाद सर ने पानी पिया, तो जस्ट मुझे गिलास दिया, तो देने के बाद बोला सब ठीक है ना, मामला नीचे। मैंने कहा हाँ सर सब कुछ ठीक है, ओके, हल्का फेस में स्माइल दिया। तो उसके बाद वो रूम पे चले गए। उसके बाद मेरा करना नहाने धोने जो है सफाई पे करने चला गया। फिर उसके बाद 10-10:30 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले सब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी पानी लूँगा, और थोड़ा ऑरेंज वरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो, और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो वो जो सैप है वो तीनों लेके गए ट्रे में। तो सर ने गिलास जूस और जो है ट्रे नहीं लिया, उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूंगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। करने के बाद हम उसका हमें पता है अभी ब्रेकफास्ट में अभी ये ले लिया, अभी 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक अभी कुछ नहीं लेंगे, वो सभी जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उन्हें मतलब आधा 1.5 घंटे तक हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, हम अपने काम पे लग गए। सर ने जैसे लिया फिर हम फ्री हो गए, फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, जैसे उसमें नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। फिर किचन ने सब ने बोला एक बार और मैं खाने के लिए पूछ लेता हूँ, दिन का क्या प्रोग्राम है, वैसे तो लग रहा है खाएंगे नहीं फिर भी पूछ लेते हैं। तो वो गए पूछने के लिए, तो लॉक लगा हुआ था, तो उन्होंने जैसे उस तरीके से खटका जिस तरीके से वो सो रहे हैं, तो हल्का खटखटाया, तो वो खटखटाते अगर मैम होती तो खटखटाते, हम खोलते नहीं है, सिर्फ सर होते तो खटखटाने के बाद हम वो खोलते हैं, हाँ क्योंकि सर ही रहते हैं। तो उन्होंने खटखटाने के बाद जैसे खोला, अंदर खोलने के बाद तो लॉक लगा हुआ था अंदर से, तो जैसे लॉक लगा था तो उन्होंने सोचा कि सो रहे हैं वो, तो नीचे आए। तो मैंने पूछा क्या फाड़ने का क्या प्रोग्राम कुछ पूछा, कह रहे वो अभी मौक लगा हुआ है। तो हमने कहा तो सो रहे होंगे, अभी डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम अपने काम पे लग गए। फिर 15-20 मिनट बाद फिर मेरा भी ऊपर का ही राउंड बनना था, तो मैं भी एक हिसाब से जिस हिसाब से सो रहे, तो मैंने खटखटाया हल्का आराम से खटखटाया, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने एक बार खोल के देखा, फिर भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी, उनको खाए क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ में हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। तो हमने कहा चलो सो रहे हैं कोई बात नहीं। फिर हम आधे घंटे बाद फिर गए, आधे घंटे बाद फिर सेफ गया, फिर सिद्धार्थ और वो दीपेश ऊपर वाले रूम में 15 मिनट ही हुए थे, वो भी बैठ जाते हैं कभी सर निकले तो उनको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो सामने वाले रूम पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने सैब जो है उन्होंने बोला कि आप तो बात भी कर दो, पूछ लो ना सर से खाने का क्या प्रोग्राम है, फिर खाने की तैयारी करते हैं। 10:30 हो गया, तो उन्होंने कहा आप लोगों ने खटखटाया, हाँ हमने खटखटाया मौक कर रखा है, तो अच्छा कोई बात नहीं 15 मिनट का गैप दो फिर पूछ लेंगे। फिर 15 मिनट बाद उन लोगों ने मौक करा, दोनों ने ट्राई करा हल्का हल्का जिस तरीके से सो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ लॉक लगा हुआ था गेट, तो वो लॉक तो तुड़वाया हमने, हाँ। तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है हमारे पास नहीं उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई, तो रिप्लाई नहीं आया। तो फिर सब ने एक एक बार ट्राई करा, तो ट्राई करने के बाद फिर हमने सोचा चाबी ढूंढ लेते हैं, सो ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, खोल के हल्का सा देख भी लेंगे कोई बात नहीं, क्या बात है क्या बात नहीं है, कभी बाथरूम में फंस गए तो कभी लॉक तो नहीं लग गया कुछ दिमाग में हमें, पर हमारे दिमाग में ये चीज भी नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं ऐसा काम उठा रहा। फिर हमने चाबी अभी ढूंढा, 15-20 मिनट तक चाबी ढूंढा, हमें कोई चाबी अभी नहीं मिली, क्योंकि सर के गेट की जो जितनी भी रूम की चाबी की कभी जरूरत नहीं पड़ी हमें, सिर्फ एक मेन गेट की उसकी चाबी एनी टाइम रहती थी, कि उन गेटों की जब से हमने कभी चाबी की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद तो उन्होंने सिस्टर को फ़ोन किया, सर की मैम, सर की जो दीदी है उनको सिस्टर को फ़ोन किया कि मैम इतना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, सर गेट नहीं खुल रहे, क्या पता आप फ़ोन कर दो क्या पता खोल लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसे भी गेट खुलवाओ, मैं 5-10 मिनट में पहुंच रही हूँ, जैसे भी फटाफट खुलवाओ, तो उन्होंने ऐसा ही बोला होगा उनको।
तो फिर हमने खटखटाया तो हमने आवाज भी मारी, सर सर खोलो क्या बात हो गई। तो सिद्धार्थ ने भी बोला सुशांत सर बोल के आवाज मारी, तो मैंने भी आज मारा। तो हमें ज्यादा आवाज मारते हुए थोड़ा सा डर सा लग रहा था कि सर डिस्टर्ब ना हो जाए, हमें तो यही लग रहा था कि हाँ हमें तो यही लग रहा था कि सर सोए ही हैं। अभी सिस्टर नहीं आई थी, मैं बता रहा हूँ, अभी तो वो खोलने के बाद नीचे उतरने के बाद जब पहुंची सिस्टर। ठीक है, रोलिंग। हाँ, हम कहाँ थे फिर? हाँ सिस्टर, ओके। तो उनकी सिस्टर को फोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवाओ मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो हमने उन्होंने ताला चाबी वाले को फोन करा कि पता तो चले क्या है अंदर। तो फटाफट ताला चाबी वाले को बुलवाया, 5-10 मिनट में वो भी आ गया। तो ताला चाबी वाले ने बोला कि अगर तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेगा, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो। हाँ सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा तोड़ दो, इतने देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। फिर उन्होंने 5 मिनट में तोड़ दिया। तो हमने उनको गेट ही नहीं खोलने दिया, हमने कहा जैसे तोड़ दिया आप सामान उठाओ। उन्हें 2000 रुपये कैश दिए, तो मैं दीपेश उन्हें भेज दिया हमने। हमने कहा जाओ, मैं दीपेश सिद्धार्थ ऊपर थे और जो केशव भाई थे जो कुक थे उन्हें ड्रॉप करने के लिए गेट बंद करने के लिए, तो उन्हें चले गए। तो पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते अपना दीपेश था और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के, हमने बोला ऐसा क्या है हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे मैं था तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके हुए, तो देखा नहीं गया मतलब बिल्कुल होश उड़ गया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद तो कुछ जो भी है उन लोगों ने करा, फिर जस्ट उनके किसी उन्होंने फिर पुलिस वाले को या एम्बुलेंस को किसी को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर उतने में उनका किसी जीजाजी या किसी का फ़ोन आ गया, तो उनको बोला कि जैसा भी हो उनको नीचे उतारो। तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा, सिद्धार्थ ने चक्कू मंगाया छोटा वाला, वहाँ कहाँ चक्कू में लेके आया भाग के, तो जैसे काटा तो लाश एकदम गिर गई। गिरने के बाद तो उतने में उनकी सिस्टर भी आ गई, तो सिस्टर बोलने लगी हमसे क्या हुआ, तो हमसे आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो सिस्टर बोलने लगी ये कैसे पड़ा हुआ है, इसको सीधा करो, ये वो क्या हुआ, तो हमने उनको सीधा करा, तो इस तरफ मुंह करा। तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, सीना दबाया, हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे। पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था ऐसा देखने के बाद। फिर वो काफ़ी टाइम हो गया था, हमने कपड़ा बड़ा खोला तो गले में निशान विशान, जो भारी इतना वजन है तो निशान पड़ेगा ना, वो तो फैट इंडिया का कपड़ा था, कुर्ता था, उन्हीं का ही कुर्ता था, वो फैट इंडिया का कपड़ा था, फैट इंडिया का जो कुर्ता होता है ना वो उन्हीं का ही था। इतना पता चल रहा था कि वो खुद ही ने लगाया, खुद ही ने कपड़े निकाल, खुद ही ने वही कपड़ा वही उन्हीं के सामने ड्रॉ में रखे हुए थे, उन्होंने निकाल के। नीरज, अब इन दिनों घर वाले जो है वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं रिया वजह है, वो लोग रिया के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि रिया का ऐसा कुछ बिहेवियर रहा है जिसके कारण वो परेशान रहे हैं? देखो वजह तो अब हम कह नहीं सकते कि सर की दिमाग में क्या वजह थे, कौन सी टेंशन थी, हम उसके अंदर की बातें तो नहीं बता सकते। फिर भी जो है रिया मैम सर के साथ काफ़ी टाइम तक रही, उनके साथ एंजॉय भी किया, काफ़ी अच्छा व्यवहार भी बन के रहा उनके साथ, वो खूब प्यार भी करते थे। हाँ तो मालकिन जैसे के मतलब सर ने बिल्कुल छूट दे रखी थी, तो वो सब कुछ उनका हिसाब किताब सब बाद में था, उन्हीं के हाथ में आ रहा था जो भी है। तो अगर वो लेबर को बोल भी देती थी तो हमें जाना है तो वो जाना ही पड़ता था, तो बिल्कुल ऐसा हो गया था सब कुछ उनके हाथ में, ऐसा हो गया। हाँ लैपटॉप तो उस टाइम जब सर ने ही दिया था उनको, गिफ्ट दिया था, एक लैपटॉप एक मोबाइल दिया था उनको और एक एप्पल का वॉच था, दो सर ने दिया था जब वाटर स्टोन में, जब उनको सर को गिफ्ट मिला था तो सर ने उनको गिफ्ट दिया था, तो वो यूज करते थे, तो उन्हीं ने अपने पास रख लिया था, तो वो सर ने दिया था तो जब ही रखा था। सर बहुत मिस करता हूँ सर को, तो क्या बताएं, बस मैं इतना मिस करता हूँ कि मैं तो 1 महीने तक सही से सोया भी नहीं हूँ, रात 1 महीने तक उसी घर में रहा हूँ, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सर हम खुद सोचते हैं कि सर ने ऐसा क्यों किया, इतना अच्छा लाइफ। सर सुबह 4 बजे उठते थे तो मैं 3:30 बजे उठता था, वर्कआउट का सामान रेडी करता था, चाय कॉफ़ी हर चीज़ रेडी करता था। सर बिल्कुल अपने टाइम में बहुत मतलब बिजी रहते थे, वो एक बंदा 20 जने को परेशान करते थे, इतना स्ट्रगल करते थे, एक बंदा मतलब 4 बजे उठ के सबको डिस्टर्ब करना, फिर सब उठते थे तो हमें भी अच्छा लगता था कितना स्ट्रगल करते हैं, टी टी टेबल, फिर वाटर स्टोन जाते थे,
स्विमिंग करते थे, टेनिस कोर्ट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, फिर वहाँ से घर आना, फिर वहाँ पे टीटी टेबल खेलना, फिर अपनी बुक पढ़ाई करना, फिर उनका लंच टाइम, डिनर टाइम। वो उनकी सैड होने की वजह तो देखो हमें भी नहीं पता कि क्यों सैड हुए। अब इस तरीके से देखा सर तो पता नहीं कितने वजह हैं सर के दिमाग में। कोई कहते हैं इंडस्ट्री में, कोई कहते रिया है। अब हमें भी नहीं पता कि क्या किस वजह से उन्होंने ऐसा काम किया। उन्होंने हमें भी नहीं पता चला कि क्यों ऐसा सर ने कदम उठाया है।